नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट ओवर द सी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बोट. ओके, इट इज फाउंड दैट इट टेक्स 24 हॉर्स पावर टू रो अ सर्टेन बोट एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड व्हेन स्पीड इज डबल्ड इज, देखो भैया आपको बोला है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू केवी, जितना वेलोसिटी है उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, और इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू केवी स्क्वायर. अब कह रहा है कि अगर हम स्पीड को डबल कर देंगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो नया पावर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स 2V का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4KV स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 24 आवर्स पावर दैट इज इक्वल टू 96 HP. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये दो क्वेश्चन तो हो गए. नेक्स्ट है, अ मैन साइकिल्स अप एंड हिल अप अ हिल राइजिंग 1 meter वर्टिकली फॉर एवरी 50 meters अलॉन्ग द स्लोप. ओके, फाइंड द पावर ऑफ द मैन इफ ही साइकिल्स अप एट द रेट ऑफ 3.6 kilometer पर आवर. द वेट ऑफ द साइकिल एंड द मैन इज इक्वल टू 120 kg. देखो भैया क्या है, जब आदमी 50 meter चलता है, साइकिलिस्ट जो है वो जब 50 meter आगे जाता है, 50 meter सब आगे जाता है, तब जाके ये 1 meter की हाइट तक चढ़ता है. ठीक है, इसके साइकिल चलाने की रेट है 3.6 किलोमीटर पर आर, मतलब इसकी जो वेलोसिटी वी है, वी कितनी है 3.6 किलोमीटर पर आर दैट इज इक्वल टू 1 meter पर सेकेंड. ठीक है, तो इसे 50 meter जाने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 50 meter अपॉन 1 meter पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 50 seconds. 50 seconds में साइक्लिस्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा. इतनी देर में इसका पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा, mgh, तो उतना ही वर्क होगा. w इज इक्वल टू mgh दैट इज इक्वल टू मास कितना है 120 इंटू g कितना है 10 इंटू हाइट तो कितना है सिर्फ 1 meter आया. देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 1200/50 दैट इज इक्वल टू 24 वॉट. मैंने जी को 10 लिया से 24 आया, अगर आप 9.8 लेते तो 23.52 आता. ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ रहा हूं. 242 into 10 to the power 4 kg freight car moving along a horizontal railroad spur track at 7.2 km per hour. Okay, इतना मास है, track के ऊपर इतनी speed से चल रहा है. It strikes a bumper whose coil spring experiences a maximum compression of 30 cm in stopping the car. ठीक है भैया, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट द इंस्टेंट वेन दे आर कंप्रेस्ड 15 cm इज. देखो भैया क्या है कि ये कार है या ट्रेन है, जो भी अपने ट्रैक पे जा रही है, लेट से वेलोसिटी यू से, इसका मास एम दे रखा है, एम की वैल्यू ये रही, ठीक है, यू की वैल्यू ये रही 7.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 0.2 meters per second. यू कितना है 0.2 meters पर सेकेंड, और ये है आपका 242 into 10 to power 4 kg. ओके,
बोला कि आगे जाता है, एक बम्पर से टकराता है जिसका स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आता है जिसके बाद ये कार रुक जाती है। मतलब कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको मैं एक्स नॉट कह दूं, तो मैं कह सकता हूं कि हाफ एम यू स्क्वायर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, इट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, नाउ बोला है कि अगर जब स्प्रिंग का कंप्रेशन 15 सेंटीमीटर हो, मतलब इसका आधा हो, उस वक्त आपके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितना होगा, तो हमें बताना है यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट बाय टू का होल स्क्वायर कितना होगा, तो दैट इज क्लियरली 1/4 टाइम्स हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू मास कितना है, मास है आपका 242 इंटू 10^4 इंटू यू कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो 0.2 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा पॉइंट, मतलब जहाँ 100, इसमें से दो जीरो उधर डाल देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 8 का 2 हो गया, 121 बचा, तो 12100 जूल्स, ऑप्शन चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग इज हेल्ड कंप्रेस्ड, इट्स स्टोर्ड एनर्जी इज 2.4 जूल, मतलब हाफ के एक्स नॉट का 2.4 जूल दे रखा है, इट्स एंड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 48 ग्राम प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड द मास ऑफ 48 ग्राम विल एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ। देखो भैया क्या है, इसके मैं मास छोड़ दीजिए, मैं सीधे m1 m2 के टर्म्स में आंसर सॉल्व कर देता हूं, इधर m1 है इधर m2 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं k ले लेता हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k। यहां पर इनिशियल कंप्रेशन x0 है, फिर इसको रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये इधर चला जाएगा वेलोसिटी u1 से, ये इधर चला जाएगा m2 वेलोसिटी u2 से। ठीक है, अब देखो मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, मतलब मेरे को क्या निकालना है, ये मेरे को u2 निकालना है, लेट से u2 आपका 48 ग्राम है, मेरे को ये u2 निकालना है। ओके, क्या करेंगे, सीधी सी बात है, नेट मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए अगर इसका मोमेंटम मैं P1 बोल देता हूँ, इसका मोमेंटम P2 बोल देता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि P1 इक्वल्स टू P2, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन होगा, बेसिकली P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर लिखोगे तो जीरो आ जाएगा, बट अदरवाइज दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अब K कितना होता है, K का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंटम के टर्म से P2/2m, तो आ गया P1^2m1 प्लस P2^2m2, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ये, इसलिए ये स्प्रिंग की इनिशियल एनर्जी के बराबर ही होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब P1 और P2 तो बराबर है, सो ये 2 2 कैंसिल हो गए कॉमन आके, क्या बचा P^2 × 1/m1 प्लस 1/m2 इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मतलब P आ गया K/m1 प्लस m2 ऊपर m1 m2 x0 इधर का रूट, x0 का रूट नहीं है बाकी सबका रूट है, ये मोमेंटम आ गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए थी, वेलोसिटी चाहिए थी, u2 चाहिए था। अब P है कितना, बेसिकली m2 u2 है, दिस इंप्लाइज u2 इज इक्वल टू P/m2, दैट इज इक्वल टू √K m1/m2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू x0। देखो मेरे को इस तरीके से कैलकुलेशन करना आसान लगता है, मोमेंटम अगर सिर्फ दो ब्लॉक्स का सिस्टम है और मोमेंटम कंजर्वड है, तो मतलब मोमेंटम जीरो है तो दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, इसलिए मैं उस मोमेंटम को लेकर इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, मेरे को कहीं कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इस तरीके से। नहीं तो आप ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, आप लिख सकते हो m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 एंड हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर, ये दो इक्वेशन सॉल्व करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
ऐसे क्वेश्चन में मैं प्रेफर करता हूँ मोमेंटम का यूज करके काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाय टू एम लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजन पंप्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी कंटिन्यूअसली थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इफ द स्पीड विद विच द लिक्विड पासेस थ्रू अ पाइप इज वी, देन द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड टू द लिक्विड इज। क्या हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है, ये पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको ए, इसके अंदर लिक्विड जा रहा है जिसकी डेंसिटी है डी, और हमने उसको वेलोसिटी वी से अंदर भेजा है। ओके, सो जिस रेट से मास अंदर जा रहा होगा, या पहले बोलना चाहिए जिस रेट से वॉल्यूम अंदर जा रहा होगा डी क्यू डी टी, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। दिस इंप्लाइज डी एम डी टी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हो गया डी एम डी टी। अब आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज डी के डी टी जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज इक्वल टू हाफ डी डी टी ऑफ एम वी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? तो यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि मास कितना है, मास बेसिकली डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, इतना मास अंदर जा रहा है। ये मैं मास यहां से यहां सब्सिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा डी काइनेटिक एनर्जी बाय डी टी, द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू हाफ डी डी टी ऑफ एम वी स्क्वायर है, तो ये हो गया डी ए वी क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन, सब कुछ कॉन्स्टेंट है, सिर्फ टी कॉन्स्टेंट नहीं है। वैसे आप यहां से डायरेक्टली इतना क्यों किया, मैंने जबरदस्ती कर दी थी, मैंने फालतू में किया था, मैंने सॉरी पहले सही कर रहा था। इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ, देखो वी कॉन्स्टेंट है तो वी तो डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ गया था, हाफ वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा मास अंदर लगातार पुश किया जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर टाइम्स डी एम डी टी इज डी ए वी, दैट इज इक्वल टू हाफ डी ए वी क्यू, ऑप्शन नंबर आगरा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब मैं इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं या सिर्फ डाउट लेने से हो जाएगा आपका काम? चलो आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, एन ओपन वाटर टाइट रेलवे वैगन ऑफ इतना केजी कोर्स एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकंड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। वैगन का मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया और फ्रिक्शन नहीं है ये भी दे दिया। रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द वैगन, व्हाट चेंज अकर्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वैगन व्हेन इट हैज कलेक्टेड 10^3 केजी ऑफ वाटर। देखो भाई, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग इसको सॉल्व किए थे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकालने के लिए क्लास के अंदर, हम लोग इसके लिए वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और अल्टीमेटली हमने पाया था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिर रही हैं उनके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले से कोई मोमेंटम नहीं था, तो इस और सिर्फ रेन ड्रॉप्स और वैगन के बीच में ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो रेन पूरा का रेन का पूरा जो भी रेन ड्रॉप उसके अंदर इकट्ठा हुआ है जो पहले से हवा में था उसका प्लस वैगन का अगर आप सिस्टम ले लोगे और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस केस में नहीं लग रहा है, और हमें हर एक रेन ड्रॉप की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है जीरो, हर एक रेन ड्रॉप की फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके वैगन के बराबर होगी ये भी पता है, तो हम सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो मैंने बोला लेट्स से इनिशियल मास एम नॉट है, ठीक है, उसमें पानी एम नॉट इंटू
यू ये आपका इनिशियल मोमेंटम था, दैट इज इक्वल टू एम नॉट प्लस जो पानी इकट्ठा हो गया स्मॉल m इंटू वी, इससे आपको v मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे दिस इम्प्लाइज आपका जो v आया वो आ गया m नॉट अपॉन m नॉट प्लस स्मॉल m इंटू यू, ये वेलोसिटी आ गई। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो हाफ मास कितना हो जाएगा नया m नॉट प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ m नॉट स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m नॉट प्लस स्मॉल m, ये आपका आंसर होगा। इसमें आप जो भी कैलकुलेशन करके निकालेंगे आंसर करेक्ट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन हिट्स एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक कैलकुलेट द स्पीड इम्पार्टेड टू द टारगेट बॉल इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्राइकिंग बॉल आफ्टर कोलिजन इज 30 मीटर पर सेकेंड। देखो हमें अज्यूम करना है, यहाँ पे एक अजम्पशन आएगा क्या, यहाँ पे एक अजम्पशन है कि क्या नाम है, कोलिजन जो है वो हेड ऑन है। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है बट हमें हेड ऑन कोलिजन मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। बोला है कि हमारे पास एक मास, दो एक आइडेंटिकल बॉल्स हैं एम और एम मास की, ये सेकंड बॉल रेस्ट पे है, पहली बॉल आकर इसको 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से आके इससे कोलाइड करती है। कोलिजन के बाद देखा कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो हेड ऑन कोलिजन नहीं है, इनफैक्ट प्रूव हो गया मैंने। चलो हेड ऑन कोलिजन मान के सॉल्व करने की कोशिश की, देखते हैं क्या आता है। तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हाफ, अच्छा आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी नहीं दी गई, तो लेट्स अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, एम इंटू 50 इज इक्वल टू एम इंटू 30 प्लस एम इंटू वी, विच मीन्स दैट v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच कितना है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी सेपरेशन नेगेटिव हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो वेलोसिटी v है ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम हो गया, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हेड ऑन कोलिजन अपना गलत है। हम यहाँ पर फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दे रखा है आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन। आपने बोला ये m मास था 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, आपको हेड ऑन कोलिजन नहीं दे रखा है, आपने बोला कोई बात नहीं आफ्टर कोलिजन लेट्स से ये किसी रैंडम डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी v किसी और रैंडम डायरेक्शन में कितनी होगी हमें बताना है। इसको मैंने कह दिया u, इसको कह दिया v1, इसको कह दिया v2, तो हम क्या बोलेंगे k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल, क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो लिखेंगे हाफ एम 50 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम 30 स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज क्लियरली वी टू इज इक्वल आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। कोलिजन हेड ऑन नहीं होगा, कोलिजन होगा आपका ऑब्लिक। नेक्स्ट, अ बॉल आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम रेस्ट हिट्स इलास्टिकली द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट एंड रीबाउंड्स, ओके। एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट द लिफ्ट वॉज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विद विच द बॉल रीबाउंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट इज, देखो भैया 5 मीटर की हाइट से गिरा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा फ्लोर से, फ्लोर से टकराएगा ये नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, आप आराम से निकाल सकते हो
दैट इज इक्वल टू रूट टू जी एच से, और ये जो फ्लोर है लिफ्ट का ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन इसकी फ्लोर की वेलोसिटी तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो 1 मीटर पर सेकेंड से जाता रहेगा, लेकिन बॉल ऊपर चला जाएगा लेट से वेलोसिटी वी से, ये मुझे निकालना है। क्योंकि कोई क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, इसलिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज इक्वल टू 10+1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी माइनस 1, विच मीन्स वी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल m इज इक्वल टू 2 स्मॉल m। इफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय 90 degrees, द हेवी मास विल मेक एन एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ m इक्वल टू। देखो भैया, बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है जिसका मास है कैपिटल m। कैपिटल m की वैल्यू है 2m, कैपिटल m इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2m, ये आपका आपको नोट करके रखना कि कैपिटल m 2m के बराबर है। इफ द इनिशियल इंसिडेंट पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय 90 degree, मतलब क्या हुआ, ये आपका ऐसे आया टक 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 और 90 डिग्री ऐसा चला गया, ठीक है। द हेवी मास विल मेक एन एंगल विद द इनिशियल डायरेक्शन है। देखो भैया, सबसे पहले तो कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है, ओके। तो ये आपकी वेलोसिटी u हो गई, ये लेट से आपकी वेलोसिटी v1 हो गई। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो लेट से इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v2 और नीचे की तरफ v3 हो जाए, ओके। सो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन हम सीधे लिख सकते हैं, मोमेंटम की इक्वेशन क्या कहेगी हमें, क्या बताएगी हमें, तो मोमेंटम की इक्वेशन बताएगी कि इनिशियल मोमेंटम जो था वो mu, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा था ये वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी इसलिए मैं एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, mu इज इक्वल टू 2m v2, क्योंकि कैपिटल m कितना है 2m है, विच मीन्स v2 इज इक्वल टू u बाय 2 आपका आ गया। इसके बाद y डायरेक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका x डायरेक्शन था, क्या था, दिस इज फॉर x डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, y डायरेक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, m v1 माइनस कैपिटल m v3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अगेन v3 इज इक्वल टू v1 बाय 2, दिस इज इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, लेकिन मेरे पास वेरिएबल है 3, v1 v2 और v3, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि यार देखो, क्योंकि आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होना चाहिए था, ये तो यहाँ पे लगाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है। हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, हम बोलेंगे कि के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल, विच मीन्स हाफ एम यू स्क्वायर, यही है के इनिशियल, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था, इज इक्वल टू के फाइनल हाफ स्मॉल एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 2 स्मॉल m v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2 स्मॉल m v3 स्क्वायर, ओके। नाउ v2 को मैं यहां से u बाय 2 डाल दूंगा, v3 को v1 बाय 2 डाल दूंगा, तो मुझे v1 मिल जाएगा, v1 पता चल जाएगा तो मेरे को v3 पता चल जाएगा, v2 मैं ऑलरेडी जानता हूं, u बाय 2, v3 पता चल जाएगा u की टर्म्स में, तो आई कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल, ओके। कर सकते हो सब लोग, ये वाला क्वेश्चन डन हो जाएगा आराम से। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाइए नहीं, चलो देखो वापस उठाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज हाफ तो सब लोग पहले कैंसिल करते हैं, हाफ 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 कैंसिल कर दो, एम भी कैंसिल करते हैं, एम 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 कैंसिल कर दो, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू कितना, यू बाय टू, तो यू बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वी थ्री कितना है, वी थ्री का स्क्वायर है 2u2 स्क्वायर, टू टाइम्स ये टू बचा हुआ है ना, यहाँ पे भी टू बचा हुआ है, टू टाइम्स वी थ्री का स्क्वायर मतलब
वी वन बाय टू का होल स्क्वायर, विच मीन्स दैट व्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 वी वन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय टू, विच मीन्स अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, सॉरी इसको चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू 3V1 स्क्वायर बाय टू, दिस इम्प्लाइज V1 इज इक्वल टू यू बाय रूट थ्री, और अगर हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाएगा V3 इज इक्वल टू यू बाय टू रूट थ्री। तो इसकी वेलोसिटी ये इधर की तरफ कितनी है, ये इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी है v2 इज इक्वल टू u बाय टू, और इधर v3 कितना है u अपॉन टू रूट थ्री। आपको ये वाला थीटा बताना है, तो क्लियर सी बात है टैन थीटा क्या हो जाएगा v3 बाय v2 दैट इज इक्वल टू 1/√3, मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके यस, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था सर, लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना। क्या लास्ट में सर, लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना। तो पिछला क्वेश्चन दिखाऊं? ओके देख लो। हाँ सर, इसमें 10 और 1 ऐड करके v-1 कैसे हुआ? देखो भैया, यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये 10 सीधे आ रहा है, ये 1 सीधे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा 10 -1। ओके सर, यहाँ पे वेलोसिटी सेपरेशन कितना होगा v-1। ओके सर, समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉल ऑफ सेम मास। ठीक है भैया, द कोलिजन इज ऑब्लिक एंड इनिशियली वन ऑफ द बॉल वॉज एट रेस्ट। एक बॉल दूसरी बॉल से इलास्टिकली कोलाइड करती है और इनिशियली वन ऑफ द बॉल वॉज एट रेस्ट। ठीक है भाई, आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव विद सेम स्पीड्स, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। ये तो 90 डिग्री होता ही है ना, सेम मास का इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन अगर होगा तो दोनों के वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है, जिसमें भी अगर सेकंड बॉल अगर रेस्ट पे हो पहले से तो क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो रिजल्ट है वो याद रखना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ बिलियर्ड बॉल मूविंग एट स्पीड ऑफ 2 m/s स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल इनिशियली एट रेस्ट एट अ ग्लांसिंग ब्लो, मतलब आपका हेड ऑन कोलिजन नहीं, आफ्टर द कोलिजन वन बॉल इज फाउंड टू बी मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 1 m/s एट 60 degrees विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल शैल बी। देखो ये जो रूट सी दे रखा ना, रूट थ्री है। ओके मतलब ऑप्शंस में सारे के सारे 3 को सी में कन्वर्ट करने में ये भी 3 सी में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक बॉल है जो 2 m/s से जा रहा है, आगे जाके ये दूसरी बॉल जो कि रेस्ट पे तो उससे टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है कि ये पहली बॉल तो इधर निकल लेती है, दूसरी बॉल लेट से इधर निकल लेती है, मालूम है कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। कहा है कि आफ्टर द कोलिजन वन बॉल इज फाउंड टू बी मूविंग एट 1 m/s एट 60 degrees। ठीक है भैया, चलो ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 1 m/s है 60 degrees के एंगल पर, द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल कितना होगा ये बताना है। क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, है ना। अब मैं एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वाई डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ पहले, तो वाई डायरेक्शन कहीं एक सेकेंड, अच्छा इलास्टिक नहीं मेंशन ना, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल एक ही है और मेरे को इक्वेशन दो सॉल्व करनी है। लेट्स अज्यूम कि ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा माइनस 1 sin 60 degrees इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज वी साइन थीटा
is equal to root 3 by 2. This is equation 1. X direction बोलेंगे momentum कौन सा है, पहले का momentum था m into 2 meter per second is equal to final momentum हो जाएगा m into 1 cos 60 degree plus m into v cos theta. m cancel हो गया. This implies 2 is equal to cos 60 degree 1 by 2 plus v cos theta, which means v cos theta is equal to 3 by 2. This is equation 2. अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई. अब मैं डिवाइड करूंगा, तो 1 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से, मुझे मिला tan theta is equal to 1 by root 3. This implies theta is equal to 30 degree. और जब मैंने क्या नाम है, अब जब थीटा मुझे 30 डिग्री पता है, तो मैंने थीटा को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, दिस इम्प्लाइज वी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 जो था, विच मीन्स वी बाय 2 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, विच मीन्स वी इज इक्वल टू रूट 3 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी जो है वो रूट 3 मीटर पर सेकेंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ऑप्शन. ये होगा ये आंसर में, यहाँ 3 है. ठीक है. यस. आगे बढ़े. यस. ठीक. 14. एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स. ओके, 3 पार्ट्स नहीं है, 3 पार्ट्स है. टू पीसेस गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. 1 केजी पीस विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड एंड अदर 2 केजी पीसेस वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड. इफ द थर्ड पीस फ्लाइज ऑफ विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड देन द मास ऑफ द थर्ड पीसेस. देखिए भैया क्या बोला है, एक अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट था जो एक्सप्लोड कर गया. एक्सप्लोड करने से क्या, इसके 3 टुकड़े हो गए, जिसमें 2 टुकड़ों की मास ही पता है अपन को और वेलोसिटी ही पता है. एक टुकड़ा जो 1 केजी का था वो 12 मीटर पर सेकंड इधर गया, और दूसरा टुकड़ा जो 2 केजी का था वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया ऐसे विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड. तीसरे टुकड़े की स्पीड दे रखी 40 मीटर पर सेकंड, उसका मास निकालना. अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला, लेट्स से इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं. तो थर्ड पीस जो है, जो थर्ड पीस है वो एम मास का लेट से ऐसे कहीं उड़ जाता है वी वेक्टर से. ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एम वी वेक्टर प्लस 12 के जी मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस ये हो जाएगा 16 के जी मीटर पर सेकंड जे कैप इज इक्वल टू 0. तीनों का मोमेंटम का सम 0 हो गया. दिस इम्प्लाइज एम वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप के जी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट है, यूनिट को हटा दिया मैंने अभी के लिए. ये आपका मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर हो गया. ठीक है. अब वेलोसिटी इसका मतलब ये हो गया कि मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इस नंबर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 20. दिस इंप्लाइज मास इज इक्वल टू 1/2 के जी, क्योंकि वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर्स पर सेकंड. ऑप्शन नंबर डेली. समझ में आया कि नहीं आया. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शेल लाइंग इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब सडनली एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स ऑफ मास m1 एंड m2. इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन द ट्यूब ऑफ द मास आफ्टर टाइम t सेकंड्स, देन एनर्जी रिलीज्ड बाय एक्सप्लोजन इज. देखो भैया कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमें कहा है
आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट था जो एक्सप्लोड हो गया दो टुकड़ों में M1 और M2 में, और देखा कि ये मान लेते हैं वेलोसिटी V1 से इधर चला गया, ये मान लेते हैं वेलोसिटी V2 से इधर चला गया। क्या देखा कि थोड़ी देर के बाद टाइम T के बाद ये M1 यहाँ पहुँच चुका है, M2 यहाँ पहुँच चुका है, और इनके बीच में सेपरेशन आपका X है। आपको बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है इन एक्सप्लोजन, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। क्या करेंगे हम बोलेंगे पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दैट M2V2 माइनस M1V1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज M2V2 इज इक्वल टू M1V1, लेट्स कॉल इट पी। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं, इसको इसमें मोमेंटम से आके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम उनको कुछ और चाहिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि दोनों के बीच में सेपरेशन x हो जाता है, मतलब कि V1t, ये रहा V1t, ये रहा V2t, प्लस V2t इज इक्वल टू x, विच मीन्स कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू x बाय t। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके डेफिनेटली V1 और V2 निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, मैं निकाल लेता हूँ V1, तो V1 निकालने के लिए मेरे को V2 सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। V2 के लिए यहाँ से निकाल के यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, मुझे मिलेगा क्या, दिस मीन्स दैट V1 प्लस V2 कितना होगा, M1V1 बाय M2, M1 बाय M2V1 इज इक्वल टू x बाय t। दिस इम्प्लाइज V1 इज इक्वल टू x बाय t इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके इस मास की वेलोसिटी V1 आ गई। सिमिलरली या इस वैल्यू को यूज करके भी, इस V1 को यहाँ यूज करके भी आप निकाल सकते हो कि V2 इज इक्वल टू M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू एक्स बाय टी। ठीक है, V1 और V2 आ गए। अब क्या करेंगे, अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। तो मुझे जो दिख रहा है हाफ M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, एक M1M2 कट जाएगा, तो हाफ M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 ये नहीं, हाफ ये ऑप्शन सी दिख रहा है, मैं को दिमाग में जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उससे मुझे ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? नो सर। अगला क्वेश्चन, थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। दे स्टार्ट मूविंग विद इक्वल स्पीड्स v ईच अलॉन्ग द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एंड कोलाइड एट द सेंट्रोइड। ओके, इफ आफ्टर कोलिजन a कम्स टू रेस्ट एंड v रिट्रेसेस इट्स पाथ अलॉन्ग GB, देन c। देखो भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा ट्रायंगल, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पर एक एक मास रखा हुआ है स्मॉल m। क्या बोला है, तीनों के तीनों सेंट्रोइड की तरफ जाते हैं, सेंट्रोइड की तरफ जाते हैं और वहां पे कोलाइड करता है। मतलब तीनों की स्पीड सेम थी, तीनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था, और तीनों की वेलोसिटी के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो वो एंगल 120 डिग्री आएगा। इसकी वेलोसिटी इधर थी, इसकी वेलोसिटी इधर थी और इसकी वेलोसिटी इधर थी, तीनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल 120 डिग्री आया था। तो मतलब मैं क्लियरली जो पहला रिजल्ट में बोल सकता हूँ वो ये है कि पी इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट,
each along the medians of the triangle, okay, and collided at the center, G. If after collision A comes to rest, मान लेते नाम A, B, C नाम दे देते हैं, B, C, A जाकर रुक गया, and B retraces its path, B इधर जाने लग गया, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, ताकि अच्छे समझ में आए. आफ्टर कोलिजन में रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ए रेस्ट पे आ गया, बी अपना पाथ रिट्रेस कर गया, आपको बताना है सी किधर जाएगा. नेचुरल सी बात है, इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा. अब इसका मोमेंटम तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसका मोमेंटम प्लस इस पार्टिकल सी का मोमेंटम जीरो होगा, तो सी को इधर आना पड़ेगा. सो सी will move with same speed, मतलब speed of particle B in the direction BG. Option चेन्नई. Okay, क्योंकि सेंट्रॉइड G था ना. कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सर मोमेंटम जीरो कैसे होगा? सर मोमेंटम आप जीरो कैसे बोल सकते हैं इनिशियल वाला? इनिशियल वाला को जीरो कैसे बोल सकते हैं? देखो भैया, पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी थ्री इज इक्वल टू एम वी है, मैग्नीट्यूड सिर्फ, और तीनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का एंगल है ना? यस. तो इनका सम कितना होगा? तीन वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्वल एंगल्स पर एक प्लेन में कैसे क्या समाएगा? जीरो ही आएगा ना, क्योंकि इनको आप अरेंज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो. कैसे? देखो, काम करो, इसको आप इस वाले को आप यहाँ ले जाओ, इस वाले को यहाँ ले जाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. ओके सर. पॉलीगन लॉ से जीरो आ गया. वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि एक अगर मेरे पास खूब सारे वैक्टर्स हों, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और सबके बीच में एंगल भी इस तरीके से इक्वल इक्वल आए, तो उसका सम कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि इनको मैं रीअरेंज करके पॉलीगन बना सकता हूँ, क्लोज्ड पॉलीगन बना सकता हूँ हमेशा. ओके ओके सर. ठीक, आगे बढ़े. यस सर. अगला क्वेश्चन, अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम गेट्स exploded in three parts having mass in the ratio 1:3:3. Its two fractions having equal mass moving at right angles to each other with velocity 15 meter per second. Then velocity of third particle will be two fractions having equal mass. देखो भैया क्या हुआ, तीन parts के एक object तीन parts में टूट गया, initially rest पे था, एक गया इधर एक गया इधर, तीसरे की वेलोसिटी बतानी है. तो लेट्स से इसका मास m है, इसका मास 3m है, इसका मास 3m है. बोला कि दोनों से इक्वल स्पीड से गए 15 मीटर पर सेकंड से, और 15 मीटर पर सेकंड से दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री का दे रखा है. मैं बोलूँगा एक काम करता हूँ, इन डायरेक्शंस को मैं x एक्सिस और y एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है. मेरे को इस थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी v बतानी है. मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा m v वेक्टर प्लस 3m इंटू 15 मीटर पर सेकंड i कैप प्लस 3m इंटू 15 मीटर पर सेकंड j कैप इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज v वेक्टर इज इक्वल टू 40 माइनस 45 i कैप माइनस 45 j कैप मीटर पर सेकंड. तो स्पीड हो गई 45√2 मीटर पर सेकंड. समझ में आई बात? ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और कुछ नहीं करना. एकदम बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ मैं आपको टेस्ट के नाम पे, इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना आपको. आगे बढ़े. यस. अ कैनन बॉल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है भैया, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट इट एक्सप्लोर्स इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स,
वन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी इतना, सेकंड वन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी इतना, द थर्ड ड्रैगन विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ। देखो भैया क्या हुआ, बोला है कि एक पार्टिकल को हमने फेंका है 200 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पर। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 200 cos 60 मतलब कि 100 मीटर पर सेकंड। यहां जाकर ये एक्सप्लोड कर गया, तो एक्सप्लोजन के बाद की सिचुएशन को मैं लाल कलर से बना रहा हूं। तीनों का मास इक्वल इक्वल है, तो लेट से एक पार्टिकल का मास m है, तो यहां पे मास कितना था, 3m था। बोला है कि एक पार्टिकल ऊपर चला गया एक पार्टिकल नीचे चला गया, दोनों की वेलोसिटी 100 मीटर पर, स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो तीसरा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा यह हमें बताना है। हम क्या बोलेंगे, यहां और यहां पे मोमेंटम सेम रहेगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, विच मींस 3m इंटू 100 i कैप इज इक्वल टू m इंटू 100 j कैप माइनस m इंटू 100 j कैप प्लस m v वेक्टर, विच मीन्स v वेक्टर इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड i कैप। तो 300 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑप्शन, बॉम्बे इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, देखो अगर आप ये डायग्राम बना लेते तो इस क्वेश्चन को तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, है ना। आगे बढ़ते, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवोटेड एट द अपर एंड, टू मासेस Each m are attached to rod one, ठीक है, what horizontal velocity must be imparted to the lower end so that the rod may just take up the horizontal position। देखो भैया अगर मैं इसको वेलॉसिटी वी नॉट दूंगा तो इसकी वेलॉसिटी ऑटोमेटिकली वी नॉट बाई टू हो जाएगी, है ना, तो निकाल सकते हो इसकी वेलॉसिटी कितनी, ओमेगा एल बाई टू, नीचे वाले की वेलॉसिटी कितनी, ओमेगा एल, तो ऊपर वाले की वेलॉसिटी नीचे वाले से आधी। ठीक है, अब यहां से यहां जाने की एनर्जी इनके पास होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना हो रहा है, ये एम जी एल बाय टू और ये एम जी एल, सो एम जी एल बाय टू प्लस एम जी एल, विच मीन्स दैट 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम जी एल बाय टू, विच मीन्स यार 1/2 प्लस 1/8 को कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 5/8, तो 5/8 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम जी एल बाय टू, एम ने एम मार दिया, ये हो गया, दिस इम्प्लाइज वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 2 जी एल, ये हो गया 4, तो ये आ गया कितना 12/5, तो ऑप्शन चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। कितने क्वेश्चन थे, 45 थे क्या, 45 है। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो यार अब मेरे को लग नहीं रहा इस तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन डिस्कस कराओगे तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर पाऊंगा कभी भी डेढ़ घंटे में, मतलब आपको समझाते हुए। तो क्या है क्वेश्चन अगला, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल m एंड लेंथ कैपिटल l, केप्ट इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है भैया, फ्रॉम वन एंड ऑफ द टू द अदर इन टाइम t, द स्पीड ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड व्हाइल द मैन इज मूविंग इज। देखो
मैन है जिसका मास एम है, ये प्लैंक है, प्लैंक का मास कैपिटल एम है, मैन का मास स्मॉल एम है, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हम लोगों ने। ये मैन इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में, अच्छा प्लैंक का जो लेंथ है एल, इसको क्रॉस करता है यूनिफॉर्म स्पीड से इन टाइम टी, तो इसकी स्पीड वी, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, दिस इज इक्वल टू एल बाय टी, क्योंकि टाइम टी में ये पूरा प्लैंक को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्लैंक की वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए जरा, मान लेते हैं कि प्लैंक की वेलोसिटी आ जाती है यू, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी माइनस यू होगी, हाँ या ना, फटाफट निकाल लो। जो भी वेलोसिटी होगी दैट माइनस माइनस यू इज इक्वल टू वी, है ना। yes. तो अब इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, एम इंटू वी माइनस यू माइनस कैपिटल एम इंटू यू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम एल बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू टी, ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, यस, नेक्स्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज पुश्ड टुवर्ड्स अ मूवेबल वेज ऑफ मास एन एम एंड हाइट एच विद अ वेलोसिटी यू, ऑल सरफेस आर स्मूथ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू फॉर विच द ब्लॉक रीच द टॉप ऑफ द वेज इज। देखो भैया, इसमें आपको इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन है, क्या नो जर्क, दैट इज नो एनर्जी लॉस्ट व्हेन ब्लॉक मेक्स कॉन्टैक्ट विथ वेज, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इंक्लाइन प्लेन से भी अगर आगे टकराओगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा और कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट होगा। हमें इस प्लैंक का शेप, ये जो सॉरी वेज का शेप, ये ट्रायंगल एज्यूम करने के बजाय हमें इसका शेप कुछ ऐसा सोचना चाहिए, देन इट विल मेक मोर सेंस जो मैंने वहां पे लिखा है। समझ में आ रही बात है ना, स्मूथली इसके ऊपर चढ़ जाएगा, कोई कोलिजन नहीं हो रहा, ये हमारा को अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो लेट्स से इसका मास है nm, इसका मास है m, ये दे रखा आपको क्वेश्चन में, इसकी वेलोसिटी u दे रखी है। तो जो भी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, लेट्स से मैक्सिमम हाइट h0 तक जाता है, जो भी मैक्सिमम हाइट h0 तक ही जाएगा, उसके लिए हम लिख सकते हैं कि उस वक्त मान लेते हैं इस प्लैंक प्लस सॉरी ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम का जो वेलोसिटी है वो v है, ये एट मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन से एम यू इज इक्वल टू एम प्लस एन एम टाइम्स वी, विच मीन्स वी इज इक्वल टू यू अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि भैया जो आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस एम जी एच नॉट, जहाँ पे जाके ये रुकता है जिस हाइट पे जाके, दिस इंप्लाइज हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ स्मॉल एम प्लस एन स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी एच नॉट, दिस इंप्लाइज स्मॉल एम कॉमन आके पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यू, अच्छा यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एन प्लस वन वी स्क्वायर बाय टू, नाउ वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एम जी, एम तो कैंसिल हो गया, जी एच नॉट, सो यू हैव यू स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू जी एच नॉट,
और इससे आप निकाल सकते हो कि दिस मीन्स दैट यू इज इक्वल टू 2gh0 इंटू एन प्लस वन अपॉन एन का रूट, ठीक है, दैट इज 1 प्लस 1 बाय एन है ये। तो ये आपका यू है जहाँ पर ये h0 हाइट तक जाएगा, लेकिन अपन को कहाँ तक चढ़ाना है, h हाइट तक चढ़ाना है, इसलिए हम h0 को h से रिप्लेस कर देंगे, हमारा आंसर ये ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके मोमेंटम यस कंजर्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि कहीं पे भी कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, कोई जर्क नहीं लग रहा, कोई कोलिजन नहीं हो रहा, फ्रिक्शन तो वैसे भी नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ। अ टाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज फिक्स्ड इज केप्ट कंप्रेस्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। When released, the blocks acquire velocities in opposite directions. The spring loses contact with the blocks when it acquires natural length. If the spring was initially compressed through a distance x, find the final speed of mass small m. देखो भैया, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो एम यू इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा, दैट इसको मैं पी मान लेता हूँ। ओके दोनों का मोमेंटम पी पी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्मॉल एम विल बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू स्मॉल एम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, अच्छा कैपिटल एम है, ओके कैपिटल एम इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू कैपिटल एम, और इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय टू स्मॉल एम प्लस पी स्क्वायर बाय टू कैपिटल एम, जो है दैट विल बी इक्वल टू जो इनिशियली एनर्जी थी वो हाफ के एक्स स्क्वायर, विच मीन्स दैट टू तो कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय स्मॉल एम कैपिटल एम इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू एक्स तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, लेकिन आपको पी नहीं चाहिए थे, आपको मास एम की स्पीड चाहिए थी, मतलब आपको यू चाहिए था, यू कितना है पी बाय एम, दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू पी बाय स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू एक्स टाइम्स रूट अंडर के कैपिटल एम बाय स्मॉल एम टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऑप्शन नंबर ये, बस इसमें एक्स जो है ना बाहर आएगा, ऐसे होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 23 अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज इक्वल टू 0.1 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट 4 मीटर ऑन अ कर्व्ड स्मूथ सरफेस। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस पाथ ए बी इज स्मूथ एंड पाथ बी सी ऑफर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। इफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉक विद द वर्टिकल वॉल एट सी इज परफेक्टली इलास्टिक द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी। देखो भैया, यहाँ से इसको छोड़ा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यू हो जाएगी रूट टू जी एच, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × 10 × हाइट एच इज 4 मीटर, तो √80 m/s। ओके या यूँ कहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम क्यों लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। अब जब ब्लॉक यहाँ आ गया, इसका जब तक ये स्मूथ सरफेस पर चल रहा है तब तक कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का लॉस तब होगा जब ये ब्लॉक इस रफ सरफेस पे आ जाएगा, इस रफ सरफेस पे आने के बाद इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन कितना वर्क पड़ेगा, करेगा माइनस फ्रिक्शन इंटू टोटल लेंथ कवर्ड ऑन दिस फ्रिक्शनल सरफेस। सो नाउ लेट्स ट्राई टू मेक दिस कि ये माइनस एफ एल जो है ये एम जी एच के बराबर हो जाए, क्योंकि तभी तभी तो आप सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि माइनस एफ एल
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो माइनस एम जी एच. दिस इंप्लाइज लेंथ एल इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू एम जी क्योंकि नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर है. सो दैट इज इक्वल टू देखो एम तो चला गया जी भी चला गया सो एच बाय म्यू और म्यू कितना है 0.1 सो दैट इज इक्वल टू 4 बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर. अब देखो 40 मीटर कहाँ पे चल रहा है रफ सरफेस पे. अब आप बोलोगे सर 40 मीटर का तो रफ सरफेस है ही नहीं तो कैसे जाएगा 40 मीटर रफ सरफेस पे. देखो क्या होगा ये ब्लॉक यहाँ से उतरेगा इधर जाएगा एनर्जी लूज करते हुए इस दीवार से टकराएगा क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है टकरा के वापस आएगा फिर से एनर्जी लूज करेगा फिर ऊपर चढ़ेगा है ना फिर नीचे उतरेगा फिर ऐसे जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ पे लॉस तो जा रही है इसलिए धीरे धीरे पूरी है. पहली बार जब चढ़ेगा तो 4 मीटर से थोड़ा कम चढ़ेगा उसके अगली बार थोड़ा और कम थोड़ा और कम थोड़ा और कम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने वाली हाइट घटती जाएगी और अल्टीमेटली जाके ये रफ सर्फेस पर ही कहीं जाके रुकेगा क्योंकि और कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा. तो इसको रफ सर्फेस से 40 मीटर चलना है और हमको बताना है कि हॉरिजॉन्टल सर्फेस पर कितना डिस्टेंस चलेगा. देखो भैया ये 1 मीटर है और ये रफ सरफेस है आपका 2 मीटर का. यहाँ दीवार है इसका रफ सरफेस 40 मीटर काउंट करना कैसे होगा देखते हैं. 1 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर तो रफ सरफेस पे ये टोटल कितने राउंड लगाएगा 10 राउंड लगा लेगा क्योंकि एक राउंड में रफ सरफेस पे ये 4 मीटर ट्रैवल करता है और रफ सरफेस पे से टोटल 40 मीटर ट्रैवल करना है तो रफ सरफेस पे टोटल 10 राउंड लगाएगा. एक बार इधर 4 राउंड फिर एक बार इधर 4 मीटर एक और बार इधर 4 मीटर तो डिस्टेंस कैसे चलेगा 1 स्मूथ पे प्लस 4 फिर 1 स्मूथ पे फिर वापस लौटेगा 1 स्मूथ से. पहले राउंड में गया तो क्या हुआ देखिए 1 मीटर चला 4 मीटर चला फिर 1 मीटर चला राइट है ना. फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में क्या होगा फिर से वही कहानी है 1 प्लस 4 प्लस 1 फिर 1 प्लस 4 प्लस 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा. ये टोटल 10 राउंड होंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 एंड सो ऑन. लेकिन लास्ट राउंड में क्या होगा 1 प्लस 4 चलने का रुक जाएगा यहां पर खाली बच गया ठीक है. तो देखो एक राउंड में चलता है 6 मीटर एक राउंड में कितना चलता है 6 मीटर ठीक है. एक राउंड में चलता है 6 मीटर 10 राउंड कंप्लीट किए तो कितना चलना चाहिए 60 मीटर चलना चाहिए. लेकिन वापस से एक बार यहाँ आके रुक गया तो वापस इस पर थोड़ा जाएगा तो उससे उसके लिए 1 मीटर यहाँ पे कम हो गया आंसर आ गया 59 मीटर. ये आपका आंसर है ओके समझ में आया हो तो बता दो. फिजिक्स से ज्यादा हिसाब किताब लगाने वाला क्वेश्चन है ना. सर लास्ट वाले में 1 ऐड क्यों नहीं हुआ. क्योंकि बेटा देखो जब इस रफ सरफेस पे जब 40 मीटर चल लेगा तो उसके बाद स्टोरी खत्म हो गई. यहां पर 40 मीटर चल चुका है अब स्मूथ सरफेस पे किस वेलोसिटी से चलेगा. ओके सर है ना. क्या हुआ है 1 प्लस 4 प्लस 1 ये वाला 1 आएगा ही नहीं है ना. ओके सर ठीक. आगे बढ़े. इन क्वेश्चंस को एक बार और ट्राई किया आप लोगों ने टेस्ट देने के बाद की टेस्ट भी नहीं दिया था. यस सर. चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई. अज्यूम द एरोडायनेमिक ड्रैग फोर्स ऑन अ कार इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड. इफ द पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज डबल देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार. देखो भैया जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस के वी ड्रैग फोर्स ठीक है. मतलब जब कार चलेगी तो एयर उस पर पीछे की तरफ माइनस के वी फोर्स लगाता है. तो इसका मतलब अगर हम कार को कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स अब बेसिकली इंजन
जो फोर्स जनरेट कर रहा होगा, देखो इंजन एक्सटर्नल फोर्स जनरेट नहीं करता, उसके कहानी कुछ और होती है, टायर में टॉर्क वॉक लगा के आता है। बट आप सीधे सीधे बात है, आप पावर को निकाल सकते हो यही फोर्स केवी इंजन का आगे बांधते हुए इंजन कार की स्पीड से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू केवी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप पावर को डबल कर दोगे तो वी कितना है, वी प्रोपोर्शनल टू रूट पी है। अगर पावर को डबल करोगे तो आपका स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड जो है इट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ रूट टू, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 केजी थ्रू हाइट ऑफ 40 मीटर। ये आसान है, एम जी एच बाई टी इज इक्वल टू 10 किलोवाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स बाय इटसेल्फ इनटू 3 इक्वल मास फ्रैगमेंट्स, द वेलोसिटीज ऑफ टू फ्रैगमेंट्स आर इतना एंड इतना, द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट इज, देखो भैया क्या करना है, तीनों का मास एम एम मान लो, जिसका ये भी एम मास इतने वेलोसिटी से गया, एम मास इतने वेलोसिटी से गया, और तीसरे का वी वेक्टर निकालना है, तो m इंटू दिस प्लस m इंटू दिस प्लस m इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो v वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2i कैप प्लस 2j कैप, ऑप्शन चेन्नई। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस एम वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये v वेक्टर आपको निकालना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। क्या हुआ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, बिल्कुल सही बात है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है, इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, ये एकदम बढ़िया है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू -du/dx, ठीक है। द कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इफ आफ्टर द बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट s, इट्स इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स v, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, देन द टोटल वर्क डन इज, क्या हो जाएगा भैया, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन चेन्नई। नेक्स्ट, 30, अ बुलेट ऑफ मास पी इज फायर्ड विद वेलोसिटी क्यू, तो पी क्यू उसका मोमेंटम हो गया, इन ए लार्ज बॉडी ऑफ मास आर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी मोमेंटम अपॉन मास पी प्लस आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी प्लस आर, ऑप्शन बॉम्बे। ओके, 31, एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेज अ टेंशन ऑफ इतना न्यूटन इन अ लोड लिफ्टिंग केबल एंड रोल्स इट एट अ रेट ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, तो पावर ऑफ द मोटर इज दिस इंटू दिस, तो 9 किलोवाट, ठीक है सर। 32, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर एंड स्ट्राइक्स द रूफ ऑफ अ लिफ्ट, इफ एट द टाइम ऑफ कोलिजन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी विद विच द बॉल रीबाउंड्स आफ्टर कोलिजन विल बी, ये आपको वन दे रखा है, देखो भैया ये क्वेश्चन क्या हुआ था, अपने 5 मीटर से, ये अपने थोड़ी देर पहले तो किया था, 5 मीटर से गिरेगा तो नीचे की तरफ स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड से, आफ्टर कोलिजन भी लिफ्ट तो ऊपर 1 मीटर पर सेकंड से जाता ही रह जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी सेपरेशन कितना है v माइनस 1, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स, नीचे कैसे जाएगा, नीचे जा नहीं सकता ना, आप पर थोड़ा निकलेगा, समझ में आई बात है ना। यस सर। अ मोटर ऑफ 100 hp इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द फॉरवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन ऑन द कार इज, देखो भैया 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकंड है, मोटर कार लिखना चाहिए था,
ठीक है। अब इंजन कार पे फोर्स नहीं लगाता, बट इंजन कार पे किस तरीके से फोर्स लगाता है, टायर को घुमाता है, टायर घूम के घूमने की वजह से फ्रिक्शन आगे की तरफ फोर्स लगाता है। ओके, तो वही फोर्स सबसे पूछा गया, क्यों ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स एफ इंटू वी इज इक्वल टू पावर, दिस इंप्लाइज एफ इंटू 20 इज इक्वल टू 100 एचपी। एचपी कितना होता है, 746 वॉट। दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 5 × 746, तो 3700 कुछ आएगा, 3 से ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट 34, द ग्राफ बिटवीन रूट ई के एंड 1/P इज। देखो भैया, मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ 2mk। ओके, तो अपन को रूट के और 1/P के बीच में बताना है, मतलब कि 1/P इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k। सो ये आपका वाई है, सॉरी ये आपका एक्स है और ये आपका 1/y है। तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/y और वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ आएगा ऑप्शन चेन्नई वाला। ठीक है, हमने यहाँ एज्यूम किया कि मास कांस्टेंट है। ओके, ऑब्वियसली और क्या, और किसको कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी यू एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये। थर्टी सिक्स, द मेटल बॉल डज नॉट रिबाउंड व्हेन स्ट्रक ऑन अ वॉल, वेर इज अ रबर बॉल ऑफ द सेम मास वेन थ्रोन विद सेम वेलोसिटी ऑन द वॉल रिबाउंड्स। फ्रॉम दिस इट इज इन्फर्ड दैट चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन बोथ, चेंज इन मोमेंटम इन रबर बॉल इज मोर, चेंज इन मोमेंटम इन मेटल बॉल इज मोर, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मेटल बॉल इज मोर, चेंज इन मोमेंटम इन रबर बॉल इज मोर, क्यों, क्योंकि रबर बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा चेंज आया है ना, वो ज़्यादा रिबाउंड किया, राइट, मास तो सेम है ना, सेम मास है, हाँ, तो वेलोसिटी में चेंज किसका ज़्यादा आया है, रबर बॉल का आया है, क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी आगे भी थी, फिर पीछे की तरफ भी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी डबल हो गई, राइट। 37, अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये इसका मतलब है 3x, अच्छा ठीक है, अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x-7 न्यूटन एक्ट ऑन अ 2 kg बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to x = 5 m। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, देखो भैया, dW इज इक्वल टू एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू 3x² dx प्लस 2x dx - 7 dx। दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² dx 0 to 5 प्लस इंटीग्रेशन 2x dx 0 to 5 माइनस 7x 0 to 5, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया x³ मतलब 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 35, दैट इज इक्वल 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 25 150 माइनस 115 जूल, ऑप्शन चल रही। ओके, आगे बढ़ते हैं, अ 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 10 m/s गेट्स एम्बेडेड इनटू 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। देखो भैया, इनिशियली था मोमेंटम p² / 2 × 50 ग्राम, फाइनल मोमेंटम हो गया p² / 2 × 1000 ग्राम, है ना, दैट इज इक्वल टू, ये k इनिशियल था, ये k फाइनल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल बाय 20, मतलब सिर्फ 5% बचा तो 95% का लॉस हो गया। ओके, समझ में आया, देखो ये सब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते करने के तरीके नहीं, तो मेहनत कर, आराम से मेहनत करके तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो आप। आगे बढ़ रहा हूं, अ क्रेन लिफ्ट 300 kg वेट फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू हाइट ऑफ 2 m इन 3 सेकेंड, द एवरेज पावर जनरेटेड बाय इट विल बी mgh/t।
आगे बढ़ते हैं. टू मैन विथ हाइट वेट ऑफ इतना एंड इतना 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 रन अप अ स्टेयर केस इन टाइम इज रेशियो 11:9. द रेशियो ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकंड इज क्या दिक्कत है. 5gh बाय 11 इज टू 5 इज टू 3gh बाय 9. सो दैट इज 5 इंटू 9 अपॉन 11 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 5 इज टू 33 दैट इज इक्वल टू 15:11. क्वेश्चन नहीं तो बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम. नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद ए फ्रिक्शनलेस मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 4 m/s एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर प्रेसिंग अ स्प्रिंग. ठीक, इफ द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज इतना देन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी. देखो भैया, हाफ एम u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया. दिस इंप्लाइज 16 × 4² इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 256, तो x इज इक्वल टू 2.56 m. सो 1.6 होगा ना. कैसे सर? वो एक्स स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर रूट. सॉरी 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 सॉरी, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा. ये एक्स स्क्वायर इतना आ गया. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1.6 m. आगे बढ़े. यस सर. यस सर. 10 kg satellite completes one revolution around the earth at a height of 100 km in 108 minutes. The work done by the gravitational force on the आगे है ना. Yes sir. A particle moving in a potential energy region given by u is equal to इतना, its state of equilibrium will be. देखो ये u है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dx, दैट इज इक्वल टू माइनस 16x प्लस 4 प्लस 0. इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25 m. ऑप्शन बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, बीच में कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मेहनत करवाई, बाकी तो सारे क्वेश्चन एकदम ले लो. शुरुआत में ले लो थे, अंत में भी ले लो, बीच में 10-12 क्वेश्चन थे जिसमें मेहनत करवाई है ना. Yes, sir. 44. VT graph is obtained as shown in figure. The work done by the force is represented by the path. इसका क्या मतलब है? देखो भैया, यहां पर फोर्स फाइनाइट है, यहां पे फोर्स कांस्टेंट है, यहां सॉरी फोर्स जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो फोर्स जीरो हो गया. यहां पे फोर्स जीरो हो गया, यहां पे फोर्स इंपल्सिव है, इनफाइनाइट फोर्स है. तो अगर मैं कुछ सोच पा रहा, हालांकि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा, ये भले ही पूछ सकता था किस पाथ के अलॉन्ग आपके फोर्स ने वर्क किया है, तो आंसर आप बोल सकते हो पी क्यू. उसके अलावा मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं. हाँ, मतलब मैं मेरे को पता है ये क्वेश्चन गलत है, बट हाँ अगर एग्जाम में आता तो मैं पी क्यू मार्क करके जरूर आता, क्योंकि और कोई मीनिंग मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ इसका. ओके, नेक्स्ट. अ रॉकेट ऑफ मास इतना केजी इज अरेंज टू बी रिलीज्ड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इफ द वेलोसिटी ऑफ द गैस कमिंग आउट इज इतना, देन इन ऑर्डर टू बैलेंस द वेट ऑफ द रॉकेट हाउ मच गैस पर सेकेंड मस्ट बी. इसका देखो भैया क्या हो जाएगा, जो आपका थ्रस्ट का फोर्स होता है म्यू वी होता है, म्यू इज द रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग. दिस हैज टू बी इक्वल टू एम जी. दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू एम जी बाय वी, दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ × 10 अपॉन वी इज 9.8 कर सकते हो वैसे. वी कितना है? 10⁻³, दैट इज इक्वल टू 60 kg. 9.8 यूज करते तो 58.8 आ जाता, ठीक है, पर सेकेंड. ओके, तो आपका एक पूरा डिस्कशन हो गया. देखते हैं 44 में कन्फ्यूजन था ना, 44 का आंसर क्या दे रखा है.
यही दे रखा है, ठीक है। चलो, तो इस पेपर में कोई गलती नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं थी, सारे क्वेश्चन सही थे। और पेपर में सिर्फ बीच में थोड़ा परेशान किया, बाकी शुरुआत और अंत में एकदम आसान था। तो अगर आप क्वेश्चन का सिलेक्शन सही से करते तो पेपर एकदम नहीं छूटता, क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर आपने गड़बड़ किया है तो पेपर छूटने के चांसेस इसमें अच्छे खासे हैं कि आप बीच में फंस जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 आते आते हमारे डिस्कशन में, डिस्कशन करते वक्त हमें क्वेश्चन नंबर 25 आते आते हमारा सवा घंटा हो चुका था और आखिरी के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने 15 मिनट में डिस्कस किए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए क्लास खत्म है। यही सीख मिलती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसने से एग्जाम में नुकसान होता है। ओके, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक क्या होगा? मैं एसएमएस करवा देता हूँ। ओके सर।